गाय क्षमा प्रार्थी भाई क्षमा प्रार्थी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। वीडियो स्टार्ट होने से पहले काफी लोग के भी गाल वाले पैक भैया मेरे को। गाइस हमारे जो कैमरामैन है कैमरे वाले भैया, तो माइक का वायर कैमरे में लगाना भूल गए, तो भाई आवाज थोड़ी दबी दबी आएगी। हाँ बीच में लगा दिया था तो थोड़ा ऊपर नीचे आएगी। प्लीज दोस्त थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलेगा, चलते हैं सीधा टॉपिक पर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो भाई साहब आज हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। किन पर देखिए, एक दो और देखिए गाइस तीन। तो गाइस तीन लाइटर हैं और भी मिल जाएंगे, एक दो बाद में देखेंगे, फिलहाल हमें सिर्फ एक की जरूरत है। तो गाइस ये है गैस लाइटर और भाई ये सिगरेट बीड़ी जलाने में यूज होता है मोस्टली, और किसी चीज को भी जला सकते हो, सिंपल सी बात है। तो गाइस ये खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी, और खराब भी नहीं होते गाइस, सिर्फ 10 रुपए का ये लोकल मार्केट में मिल जाते हैं। तो गाइस आज इन लाइटर में ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले, फ्रेंड आज तक आपने सोचा नहीं होगा और भाई देखा भी नहीं होगा, बहुत मजा आ गया। चलेगा, चलते फटाफट अपने टॉपिक पर, समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई साहब आप इन एक्सपेरिमेंट को खराब लाइटर पर कर सकते हो, बिल्कुल बेकार लाइटर पर कर सकते हो, टूटेबल लाइटर पर भी कर सकते हो। या मेरे पास तक है, ठीक है, देखिए ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, और ये भी काम दिखा रहा है मेरी। खैर हम इसे ही ले लेंगे जो कि खराब आपके सामने बिल्कुल पता लग जाएगी ना। गाइस ब्रांड देख रहे हो इस लाइट 10 रुपए और कैची, हाँ वो कटावे दे रहे हैं, ये साफ होते रहे हैं, तो ये ठीक है। तो गाइस इसके अंदर ब्यूटेन गैस होती है मोस्टली, ये ब्यूटेन गैस काफी हाईली फ्लेमेबल होती है, यानी काफी तेज एकदम से आग पकड़ लेगी। तो भाई बहुत आराम से काम करना है, बच्चे हैं हम, सेफ्टी के साथ काम करेंगे। तो भाई देखिए नीचे इसके वाल होता है, ठीक है, यहाँ से हम गैस निकाल देंगे। गाइस कितने स्पीड से गैस निकल दी, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है भाई साहब, इतनी ठंडी बिल्कुल चिल्ड बर्फ जमा दी जा रही है। तो भाई हम इसे निकाल लेंगे। गाइस अगर हम इसे काटेंगे किसी चीज से तो भाई स्पार्क हो जाएगा, स्पार्क से गैस जल सकती है। तो प्लीज दोस्तों आराम से काम करें, तसल्ली से इसकी गैस निकालने पहले बस। तो भाई गैस पूरी तरीके से निकल चुकी है, भाई इन्हें निकालते हैं यहाँ से, और इसमें थ्रेडिंग बनी हुई है तो भाई आराम से घूम घूम के निकलेगा। एप्पल वाले से बर्दाश्त नहीं होगा, वो सोचेंगे भाई ये हमने कब बनाया। बात तो सही है। तो गाइस ये निकले सारे चीजें इसकी, इतने पार्ट्स हैं, ठीक है, और भाई रखते हैं साइड में, और ये लेते हैं बॉडी। अब हम इसे काटेंगे। तो गाइस ये कंप्लीट अंदर से खाली हो चुका है, कोई भी बाउंड्री से कोई भी दीवार इसके अंदर नहीं बची है। अब आते हैं भाई इस पर करना क्या है। तो गाइस यहाँ पर कुछ सामग्री मैं ले रहा हूँ, देख सकते हो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। ये गाइस ये है बैटरी, छोटी नन्नी मुन्नी बैटरी, और भाई ये हेडफोन की बैटरी, तो यार काफी बड़ी है भाई, 380 mAh की, और शायद होगी 200 या 150 mAh की। दिक्कत गाइस ये कि भाई ये बैटरी इसके अंदर नहीं आएगी, चुंदर सा निकले कोई छोटी सी बैटरी, मैंने इसे काट के देखी थी, क्या पता इसके अंदर ऊपर कवर है ना पूरा, तब भी इसके अंदर नहीं आएगी। देखिए ये बैटरी बड़ी है, तो भाई वैसे ज्यादा अच्छी है, 380 mAh की है, इसे रखते हैं साइड में। काफी अलग टाइप की बैटरी आती है, तो गाइस जितनी ज्यादा आपको बैटरी मिल जाए उतने बढ़िया भाई। तो गाइस ये काफी नन्नी मुन्नी सी बैटरी है, तो भाई इसे तो नहीं लेंगे मैं, चारों गाइस मैं ये दो बैटरी लगा दूं, और गाइस 5 वोल्ट का चार्ज मॉड्यूल मैं इसमें फटाफट लगा देता हूं। तो गाइस अगर इन दोनों बैटरी को आपस में पैरेलल मिला दूं, गाइस इनके एम्पीयर हाई हो जाएंगे, यानी कि डबल हो जाएंगे, वोल्टेज तो खैर सेम रहेंगे, तो ये हमें काम करना है किसी भी तरीके से, बैटरी इसके अंदर फिट आ जानी चाहिए। और गाइस आउटपुट के लिए मैं येलो वायर ले रहा हूँ, तो गाइस यहाँ पर बोर्ड भी येलो है तो ज्यादा कुछ चमकेगा नहीं। तो गाइस कनेक्शन कर दिए, कनेक्शन बहुत ही आप जानते हो, प्लस माइनस लगा दी सीधा बैटरी, और भाई ये मैंने आउटपुट निकाल दी है, प्लस माइनस मैंने गाइस एक ही कलर का वायर लिया, येलो कलर का, फ्रेंड्स यहाँ पर मैं प्लस माइनस की कोई जरूरत नहीं है। अब भाई यहाँ पर ये पुश स्विच देखिए गाइस, माइक्रो स्विच देखिए ये कितना लंबा है, ठीक है, ये सा छोटा, ये सा छोटा भाई, ये सबसे छोटा। तो गाइस अलग अलग शेप में आते हैं, तो भाई मैं इसे लंबा वाले को ले लूं, आप छोटा वाले भी ले सकते हो, थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो गाइस आप इस पर कुछ लगा सकते हो, कुछ चिपका सकते हो, कुछ प्लास्टिक का पीस, जिससे गाइस की शाफ्ट लंबी हो जाए। तो भाई ये लाइटर का बटन है, ठीक है, तो भाई मैं इस पर लगाऊंगा, जिससे गाइस इस बटन को दबाने पर काम करे। तो गाइस मैंने इसमें एक कट लगा दिया है, तो गाइस ये इसके अंदर फंस जाए, हां देखिए बिल्कुल टाइट चला गया, अभी से रुक गया। तो भाई मजबूती के लिए मैंने ग्लू स्टिक और प्लस स्टड ग्लू भी लगा दिया। तो भाई स्विच मैंने काफी मजबूती से लगा दिया है। अब लेते हैं गाइस सोल्डिंग आयरन का एलिमेंट, और ये आपको सिर्फ 10 रुपए का मिल जाएगा। वैसे फ्रेंड्स ये खराब मैंने लिया है, तो कोई खराब हो आपके पास आप उसका यूज कर सकते हो, 100% वर्क करेगा। ये सारा का सारा नाइक्रोम वायर है, कितना सारा। और गाइस कोई भी कोई कील टाइप की चीज ले लेंगे, और भैया एक दो बस इतने बल्ब बहुत है, हमारी बैटरी काफी छोटी है, मतलब हमारी नहीं जो हम यूज करें वो बैटरी काफी छोटी है। गाइस आपको याद होगा ये वाला पार्ट मैंने इसमें से निकाला था, भाई हम क्या करेंगे, हम इसे लेंगे नाइक्रोम वायर को और इसके अंदर डाल देंगे, इसे पिचका देंगे। भाई और बहनों इसे फटाफट हम चिपकाते हैं, मैंने देखिए यहाँ पे पहले ही कटिंग कर दी थी।
अब आती है भाई इसकी बारी लगाने की। ठीक है, स्विच पे लगा दिया है, बैटरी लगा दिया है, मोटर लगा दिया है, वायरिंग भी हमने ऑलरेडी कर दी थी। तो भाई यह है टिन वायर और इसे पिराएंगे इसके अंदर से। भाई बड़ा केड़ा मामला पड़ रहा है इस प्रोजेक्ट का मेरे को बनाने को, क्योंकि फ्रेंड्स पता नहीं कब क्या हो जाए भैया, भड़म भड़म बहुत छोटी छोटी चीज होती है ना, तो हाथ में आने बड़ी दिक्कत करती है, हाथ नहीं आऊंगी मैं इसे। ज्यादा अंदर नहीं किया है, बस थोड़ा दो चार चूड़ी चढ़ाई है और भाई इसे चिपका देते हैं। भाई बहुत छोटा मामला है, छोटे छोटे काम कितना परेशान करते हैं। एक बार तो हमने बैठे का लगा दिया अलग को। अब भैया यहाँ के कनेक्शन तो हो गए हैं, एलिमेंट भी लग गया है, अब इस पर आते हैं। तो भैया इसे लगाते हो, हो गाइस ये काफी अंदर लग रहा हमारा नाइक्रो वायर, तो भाई हम एक जुगाड़ और करेंगे यहाँ पर। गाइस फिटिंग हो गई है, अब गाइस की टेस्टिंग पर आते हैं, लेकिन उससे पहले इसे बंद करते हैं। भाई बंद कैसे करेंगे गाइस, क्योंकि हमने भाई इसे काट दिया था, वो तो टूट गया था। तो भाई मैं एक दूसरा लाइटर बिल्कुल अभी लेकर आया हूँ, बिल्कुल नया है, देखिए बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। कितनी होगी कि भाई ये ऑरेंज कलर में थोड़ा लाइट ऑरेंज है, और भाई हमारा जो लाइटर था ये पीले कलर का था या है बेचारा, अभी तो था नहीं है, है वैसे जो बात है। तो भाई इसमें से कट करेंगे और इसके ऊपर चिपका देंगे। तो गाइस आप जब भी लेकर आए तो गाइस प्लीज दो लाइटर सेम कलर का लेंगे, भाई जैसे मिलता नहीं है, बोतल का पीस भी लगा सकते हो। तो भाई काफी मजा आने वाला है इसकी गैस निकालने में। भाई वाह कितनी ठंडी है गाइस। तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से मैंने कट किया है जो बात है, तो काफी सारे ऑप्शन थे मेरे पास। तो भाई फिलहाल मैं इसे टेम्परेचर चिपका रहा हूँ ग्लू गन से, क्या पता मुझे इसका थंबनेल लेना पड़ जाए, मतलब फोटो वीडियो की ये लगाना पड़ जाए मुझे। तो भाई मैं इसे चिपका रहा हूँ, आप इसे परमानेंट चिपका सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अंदर से थोड़ा सा कूल टाइप का लगता है भाई, मतलब क्या लगा दिया अंदर। तो गाइस फाइनली हमारा जो गैस लाइटर है वो इलेक्ट्रिक लाइटर में कन्वर्ट हो गया है, और ये बैटरी मैंने डबल लगाई है। तो गाइस इसकी पावर काफी लंबे समय तक चलेगा, लेकिन थोड़े समय के लिए चलाओगे तो काफी अच्छा चलेगा। खैर फटाफट की टेस्टिंग करते हैं। तो भाई पहले तो ऐसी देखेंगे, काम कर रहा है गाइस, देखिए काम कर रहा है भाई साहब। दो बार तो मैंने आपके सामने चला के दिखाई दिया है, और मैंने तो कोई कट नहीं किया है। अरे तो मैं फिर एक कागज ले रहा हूँ, और इस कागज पे लिखा है अगर 100 रुपए डालते हैं तो 400 डबल हो जाएंगे, पता नहीं क्या। खैर छोड़ो जो बात है, गैस तीन बार ही चल चुका है आपके सामने, देखिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है बहुत बेहतरीन, देखिए मस्त बिल्कुल आपके सामने लाइव, ठीक है 5 बार चल गए, मस्त काम कर रहा होगा। ये थोड़ा सा फोक देख सकते हो, ये गाइस जो वायर है ना येलो वाला हल्का सा है वो जल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो जल के अपना आप सेट हो जाएगा। और मैं वैसे जड़ तो कोई है नहीं, फिर भी आपको चला के दिखा देता हूँ। मैंने आपको कागज लाइव चला के दिखाया, तो भाई ये तो बहुत छोटी बात है, देख गाइस काम हो गया, लगते ही काम हो गया, दोबारा दिखा देता हूँ, देख गाइस बहुत ही बेहतरीन। और भाई साहब बाय चांस ये डाउन हो जाए, वैसे अभी हुआ नहीं है, ठीक है देख सकते हो, मतलब काफी बार चल रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी भाई इतना लंबा चलेगा ये। तो गाइस यहाँ से आप इसे रिचार्ज कर सकते हो, देखिए क्या मस्त लग रहा है, बहुत रिचार्ज हो जाएगा, ब्लू कलर की एलईडी ब्राइट हो जाएगी। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं आपको पता है, तो प्लीज दोस्तों इसके फायदे और नुकसान की एडवांटेज और डिसएडवांटेज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं देख रहे गाइस कितना कौन दिमाग के घोड़े दौड़ाता है यार, अच्छा लगता है नहीं भाई, हाँ मतलब कितना आप सोच सकते हो, कितना आगे तक के सोच रहे हो। तो प्लीज दोस्तों कमेंट जो करें फायदे नुकसान, और भाई अपने दोस्तों शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं।